हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू आर वॉचिंग समन आयल सो इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट क्यू कार्ड ऑफ सितंबर टू दिसंबर फर्स्ट वर्जन ऑफ मखर क्यू कार्ड पीडीएफ सो द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु हुज़ चूजन अ करियर इन मेडिकल फील्ड एक पर्सन के बारे में बात करनी है जिसने अपना करियर मेडिकल फील्ड में जो है वो चूज़ किया है कौन है वो पर्सन और वो पर्सन क्या करता है वाई ही योर शी चोज ज करियर उन्होंने ये क्यों चूज किया था एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिमन और आप इनके बारे में कैसा फील करते हो सो so, यहाँ पे जर्नल लाइन लिखी हुई है आप बोल सकते हो इन दिस कंटेम्प्रेरी एपक मेडिकल प्रोफेशन इज वन ऑफ द टॉप प्रोफेशन ग्लोबली एज इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ एन आर सो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न की आजकल के मॉडर्न युग में एपक मतलब ए रहा कि जो मेडिकल प्रोफेशन है वो एक टॉप प्रोफेशन है ग्लोबली और क्योंकि ये समय की जरूरत है इसलिए टॉप प्रोफेशन है नीड ऑफ एन आर मतलब कि समय की जरूरत है आई नो एम्पल इंडिविजुअल्स हु ऑप्टेड मेडिकल डोमेन एज देयर करियर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि एक मेडिकल फील्ड को जो है मेडिकल फील्ड में है जहाँ मेडिकल फील्ड को उन्होंने ऑप्ट किया है ऑप्ट का मतलब होता है चूज और ऑप्टेड मतलब चूजन बात करूंगा उस पर्सन के बारे में जिसने मेडिकल फील्ड तो चूज किया ही है उसके साथ साथ वो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है ही इज नन अदर देन माई अंकल ही इज एन एमिनेंट ई एन टी स्पेशलिस्ट और ऑटोलरकोलॉजिस्ट ऑटोलरकोलॉजिस्ट मीन्स जो कि एयर नोज और थ्रॉट ई नोज एंड मतलब ear, का स्पेशलिस्ट हो आप चाहे ई स्पेशलिस्ट बोल लो चाहे ऑटलर एंडिस्ट बोल लो एक्चुअली ही इज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माई फादर ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन ई एन टी स्पेशलिस्ट ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री इयर्स अगो एंड इज रनिंग अ हॉस्पिटल सिंस टू थाउजेंड टेन और टू थाउजेंड टेन से वो एक हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं ही इज क्वाइट बेनेवलेंट मतलब कि काइंड हार्टड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्डवर्किंग एंड डाउन टू अर्थ पर्सन डाउन टू अर्थ पर्सन के उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है माई फादर टोल्ड मी दैट हिज फ्रेंड यूज टू स्पेंड माइ आवर्स इन लाइब्रेरी इन ऑर्डर टू इनह हिज नॉलेज रिगार्डिंग मेडिकल प्रोफेशन मेरे फादर बताते हैं कि वो बहुत सारा टाइम जो है लाइब्रेरी में स्पेंड किया करते थे ताकि वो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी नॉलेज ले लें Now I can say he knows all ins and outs of ear nose and throat surgeries. All ins and outs एक idiom होता है जिसका मतलब होता है कि सारी जानकारी होना। He was not born with silver spoon as his father used to earn bread and butter for his family। वो एक wealthy family में पैदा नहीं हुए थे। ये भी एक idiom होता है। Born with silver spoon मतलब अच्छी family में पैदा होना। Not born with मतलब नहीं। क्योंकि उनके फादर ही bread and butter earn कर, करते थे। Bread and butter का मतलब होता है इनकम का साधन ह टू हिज डिस्मे जान जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लिख सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली जो उनके फादर थे वो सफर कर रहे थे अस्थमा की प्रॉब्लम से और उसके साथ साइनस की प्रॉब्लम से जिनसे उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग एडिक्यूएट ट्रीटमेंट मतलब कि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ था फेमसलिस्ट एंड ऑफर हेल्पिंग टू नीडी वंस तब से ही मेरे अंकल ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक फेमस ई एन टी स्पेशलिस्ट बनेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे जो की निडी वन है ये एक डी एम होता है इन दिसमेंट टू नीडी वन इन हिज हॉस्पिटल एंड चार्जिंग रीजनेबल फीस फ्रॉम अदर्स वो ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं वो भी कुछ का फ्री और कुछ का बहुत रीजनेबल प्राइस पे अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा ही ऑर्गेनाइज फ्री चेकअप कैंप एनुअली इन रूरल एरियाज एंड सीक्स ब्लैसिंग वो चेकअप कैंप जो है वो एनुअली लगाते हैं जो कि कंट्री साइड एरिया होते हैं और लोगों की ब्लैसिंग ले रहे हैं आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज वर्क एंड वॉन्ट्स टू फॉलो हिज फुट स्टेप्स टू बिकम आर इनाउंड डॉक्टर और यहाँ पे रिनाउंडसनैलिटी लाइक हिम आप जो भी बोलना चाहो रिनाउंड का मतलब होता है फेमस He is not solely earning name and fame in his local city, but also in other big cities of my state. Solely का मतलब only. उनको सिर्फ अपनी ही city में name and fame नहीं मिला कि शोहरत नहीं मिली बाकी cities में भी हमारी state की वो काफ़ी ज़्यादा famous है He has honored with ample or many laurels in medical field. Laurels होते हैं तगमे prizes. To capital, this is again an idiom for ending. This is the person who has chosen. करियर इन मेडिकल फील्ड ये वो पर्सन थे जिन्होंने मेडिकल फील्ड में अपना करियर चूज किया था सो so, ये था हमारा आज का क्यू कार्ड होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे